आपका नाम? मेरा नाम अताउल्ला वानी। अताउल्ला जी, का ये जो आज लैपटॉप यहाँ पे पकड़ा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, कितना दहशत थी इसकी यहाँ पे? क्या इसकी तो बहुत ज़्यादा दहशत थी यहाँ। ये एक ही दहशत नहीं है बल्कि बहुत सारे यहाँ लेपर्ड्स हैं। मतलब कई बार दो बार मैंने खुद भी देखा है, दो दो तीन तीन को, तो बाकी सारे लोगों ने भी दो दो तीन तीन मतलब दिन दिहाड़े इनको देखा गया खेलते हुए, मतलब कूदते हुए, जानवरों के पीछे दौड़ते हुए। तो ये काफ़ी इनकी बड़ी दहशत थी और बहुत बड़ा खतरा था। कई बार ये हमारे मकान के दरवाजे सहन तक भी आए। वहाँ हमारे पास बिल्ली थी, उसको उठा के ले गए, और इसी तरह कुत्ते को लेकर उठाकर मतलब ले गए। तो इसी तरह से हमने पहले भी एक बार, एक साल पहले हमने वाइल्ड लाइफ वालों से रिक्वेस्ट की थी, तो उसको पकड़ा गया था। ये आज दूसरा जो आज पकड़ा गया, तो ये बहुत खूनखार लगता है। और चूँकि इसने यहाँ लोगों की भेड़ें भी खाई हैं, घोड़े खच्चर वगैरह वो भी इसने खा लिए हैं। और चलो वो तो जानवरों की बात है, लेकिन ये यहाँ तक अब डर था कि ये कहीं अंदर आके इंसानों पे हमला ना करे। तो चूँकि यहाँ ये वार्ड नंबर 17 जो है ये म्यूनसिपलिटी डोडा के अंडर आता है, बहुत मतलब पसमानदा एक वार्ड है। यहाँ लाइटों का भी कोई ख़ास बंदोबस्त नहीं है, और रोड भी अभी मतलब नामुकम्मल है, और इसी तरह से बाकी डेवलपमेंट भी इसके लिए। पानी आता है, बड़ी मुसीबत की बात यह है कि यहाँ पानी जो खतरा था, इससे बहुत ज़्यादा खतरा था। अब मतलब जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, या मतलब ज़रूरत ज़िंदगी जो है, मतलब पानी है, बिजली है, उसके लिए कभी ख़राब होता है तो लोगों को बाहर निकलना पड़ता है। और पानी बदकिस्मती से हमें रात को आता है, और मतलब 9 बजे 10 बजे आता है। उस वक़्त मतलब सारे बेचारे, कभी बच्चे, कभी छोटे, कभी मतलब औरतें, वो बाहर निकलना पड़ता है। तो ये फिर उस वक़्त हमारे आसपास ही होता था। बड़ी मतलब मुश्किलों से दो दो चार चार बंदों को बुला के मतलब बाहर निकलना पड़ता था। तो आज हम मतलब आप लोगों के बड़े ही आभारी हैं, बहुत ही मतलब मशकूर हैं आपके, कि आपने वक्तन फ़क्तन हमारी इस क्या कहते हैं फरियाद को मुतलका महकमा के पास ले जाया, उसके पास पहुँचाया। और वाइल्ड लाइफ वालों का भी हम बहुत ही शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी मांग को, इसको लब्बैक कहा, हमारी बात को माना। तो इन्होंने एक गैज फराहम किया, एक गैज फराहम करके तो इन्होंने मतलब हमारे साथ कोऑपरेट किया, और हमने इनके साथ कोऑपरेट किया, और दोनों की कोऑपरेशन से आज ये यहाँ ये लेपर्ड पकड़ा गया। पहले भी इस तरह के लेपर्ड यहाँ पे पकड़े गए हैं, और आपको लगता है एक साल पहले एक पकड़ा गया था, और आज जो है ये दूसरा है हमारे इस वार्ड में। और हमारे और ये खुसूसन ये हमारे ये जंगलात में नहीं, ये बिल्कुल हमारे मतलब बस्ती में, आबादी में, हमारे मकान के पास था, मतलब मकान के नजदीक था। आपको लगता है अंदाजा है कि? हाँ, हमें तो अंदाजा है कि और भी होंगे, लेकिन अब ये है कि हम मतलब खुशी तौर मैं और मतलब पब्लिक के ऑन बिहाफ मैं आपसे गुजारिश करूँगा, क्योंकि यहाँ के लोग बेचारे बच्चे हैं छोटे, मतलब बच्चे स्कूल जाते हैं, कभी हस्पताल जाना पड़ता है, बाई फुट ही जाना पड़ता है, सबके पास गाड़ी तो अवेलेबल नहीं है, मतलब या गाड़ी अगर हो भी तो कभी रोड मतलब ठीक नहीं होता है, तो उस कारण मतलब यहाँ पैदल चलना पड़ता है और पैदल आना पड़ता है। तो यहाँ बहुत ही डर बना रहता है। तो ये तो एक पकड़ा गया, लेकिन अगर और यहाँ होगा तो उसके लिए हम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से, आपकी वसात से गुजारिश करते हैं, और बाकी लोगों से भी हमने गुजारिश की कि यहाँ मतलब आसपास जो भी बस्ती है जंगलात के नज़दीक उसको फेंसिंग किया जाए। और फेंसिंग से क्या होगा कि इनको मार भी नहीं सकते हैं। बहरहाल ये भी एक बस्ती है, कि आबादी है, बहरहाल एक ज़रूरी एक क्या कहते हैं एक हिस्सा है ज़िंदगी का, इस सोसाइटी का, तो उनके लिए भी तहफ़ुज़ बन जाए, और जो यहाँ के इंसान, यहाँ की बस्ती आबादी है, उनके लिए मतलब महफूज। कहाँ से पकड़ा है और कब से आपने सर ये लेपर्ड हमने पकड़ा? वार्ड नंबर 17 परमाज बोलते हैं सर, यहाँ पे डोडा के साथ में एडजाइनिंग एरिया है सर, इसका नाम परमाज है सर। हमने ट्रैप इसका 5-7 दिन पहले लगाया हुआ था सर। ये हमारे कोई डॉक्टर साहब हैं यहाँ के, इन्होंने पहले भी हमसे डिमांड की थी, तो सर हमने इनको 10 तारीख को केज दिया हुआ था, केज इंस्टॉल किया हुआ था, तो सर आज सक्सेसफुली हम इसको ट्रैप करने में कामयाब हो गए सर। तो इस एरिया में और कितने लैपर्ड अभी सर? एक्चुअल में इनकी कोई हमारे पास मास गिनती नहीं होती है कि ये कितने हैं, क्या है। जानवर है सर, इसकी मूवमेंट होती है, कभी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर चलता रहता है। पर्टिकुलरली एक जगह पे ये जानवर बैठता नहीं है सर। तो ये ऐसे भी सर आप जानते हो कि परमाज एक ऐसा एरिया है सर, परमाज के नीचे और अपने इसके पार क्या एरिया पड़ता है सर, ये पार जो भी है इसके साथ में आप देखते हैं ये फॉरेस्ट एरिया है सर, एडजाइनिंग में पूरा फॉरेस्ट एरिया है सर। तो इसको इस टाइम में यहाँ पे इसलिए सिटी में ज़्यादा ये इसकी यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट थी क्योंकि इसको खाने शाने के लिए सब चीज़ें अवेलेबल थी। तो सर होपफुली अब हम उम्मीद करते हैं कि अब इन परमाज वालों को थोड़ा इससे राहत होगी, डोडा वाले भी थोड़ा इससे राहत महसूस करेंगे। सर पहले भी आपने इस तरह की लेपर्ड यहाँ पे, सर यहीं से सैम इसी स्टेशन से हमने 2 साल पहले भी एक लेपर्ड डॉक्टर साहब के घर के पास में से ही इनको ही केज दिया हुआ था, इंस्टॉल किया हुआ था। तो यहाँ से हमने एक केज इंस्टॉल किया, लेपर्ड पकड़ के लिए हुआ था। तो सर हमारे वार्डन साहब की तरफ से और हमारे रेंज ऑफिसर की तरफ से हमें हर टाइम यही आदेश रहता है कि जहाँ से भी कोई कंप्लेंट आए तो तुरंत आप वहाँ पे जाके एक्शन करो। सर लोगों से हमारी हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि लोग जानवरों के साथ छेड़छाड़ ना करें। कहीं जानवर दिख जाता है तो डिपार्टमेंट के नंबर हर जगह पे हमारे अवेलेबल हैं, तो डिपार्टमेंट के साथ तालमेल रखें, डिपार्टमेंट को फ़ोन करें। कहीं भी जानवर दिखे कुछ भी हो तो हम वहाँ पर तुरंत एक्शन करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं सर। तो थैंक यू सर। और अभी भी कहीं कंप्लेंट है और इसको आप जाके कहाँ? सर अब हम इसको यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, डोडा से पकड़ के हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं ट्रामा सेंटर किश्तवाड़ के लिए। हमारा ट्रामा सेंटर किश्तवाड़ में अब यहाँ ये वहाँ पे रहेगा। अब प्रॉपर तरीके से इसका सर ट्रीटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि लोगों को रूमर फैला रहा होता है सर कि डोडा से पकड़ के ठाठरी में, ठाठरी से पकड़ के डोडा में, ऐसा नहीं होता है सर। आपने खुद ही देखा सर, आप कवर कर रहे थे इस जानवर की क्या हालत होती है सर, ये अपने आप को क्या करता है। ये केज पकड़ना, लेपर्ड को पकड़ना सर कोई एक वो नहीं है, कोई खुशी वाला मूवमेंट नहीं होता है सर। जानवर है, जानवर अगर जंगल में नहीं रहेगा तो सर उसको बांध के रखोगे तो सर। सर आपका नाम? फारूक अहमद। सर फारूक जी, ये जो वाइल्ड लाइफ एरिया लेपर्ड पकड़ा गया है इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कौन सा एरिया है और कितना दहशत है इसका यहाँ पे? ये सर एरिया परमाज वार्ड नंबर 17 में पड़ता है, 17 वार्ड नंबर परमाज। सर ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये एक पहले भी पकड़ा गया था 1 साल पहले। ये सर दूसरा रात को पिंजरे में पकड़ा गया। सर हम शुक्रिया करते हैं वाइल्ड लाइफ का, डिपार्टमेंट का, जिनने पिंजरा यहाँ पे प्रोवाइड करवाया और यहाँ पे पकड़ा गया। सर इसमें बहुत ही सारा खतरा, ये एरिया भी थोड़ा साइड एरिया है। यहाँ पे सर कुछ लाइट वाइट वगैरह भी नहीं होती है बाहर। सर हम चलने में बहुत मुश्किल होता है। हम बिजनेस करते हैं सर, डोडा में पर दुकान करते हैं सर। हम रात को कभी 10 बजे भी आते हैं, कभी 9 बजे भी आते हैं। बहुत सारा खतरा है, बच्चों को खतरा है। ये मकानों के इर्द गिर्द बस्ती में घूमता है सर, और यहाँ पे कुछ इंतजाम उतने नहीं है सर। फेंसिंग साइड पे हो और लाइट वगैरह हो बाहर, सर वो लाइटें भी नहीं। कुछ ये अंधेरे में रात को घूमता रहता है, बहुत सारा खतरा है सर। तो अब आप कितना रिलैक्स हैं, मतलब, और आपको लगता है कि और भी यहाँ पे हो सकते हैं इस तरह की? जी सर हम बहुत खुश हैं। अब इससे थोड़ा हमें डर खौफ थोड़ा निकल गया, लेकिन और भी यहाँ पे हैं सर। ऐसे बहुत सारे देखे गए यहाँ पे घूमते रहते, शाम को, रात को, सुबह। तो पहले भी ये घूमता था यहाँ से, इस एरिया से सर। और अगर इसमें थोड़ा इनको पकड़ा जाए तो अच्छी बात है।